नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, और दोस्तों एक बहुत ही बुरी खबर मैं बोलूँगा कि आ रही है। दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने ये कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं या कुछ फ़ोटोज़ भेजे हैं, मैं बोलूँगा स्क्रीनशॉट नहीं फ़ोटोज़ भेजे हैं। और दोस्तों वो बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, और वो जो कैंडिडेट्स भेजे हैं वो बोल रहे हैं कि सर ये पेपर जो है सेम टू सेम पेपर ये हमारे एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हमें भेजे गए हैं जिसमें कि क्वेश्चन हैं, और देखने को मिलता है कि जो हम कैंडिडेट्स का रिव्यू ले रहे थे सुबह को, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें सिमिलरली मैच भी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों फेक न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैल रही है आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ कि बहुत सारे दिखा रहे हैं कि ये था आपका पेपर लीक्ड वगैरह, लेकिन वो सारे पेपर लीक्ड नहीं थे, लेकिन इसको बताया जा रहा है कि ये सही में मतलब क्वेश्चन थे। अब ये लीक्ड हैं या नहीं लीक्ड हैं इसको अभी प्रूफ नहीं किया जा सकता, मैं पहले ही बता दूँ जी। बस एक रूल रहता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर रहता है किसी भी कैंडिडेट को लेकर बाहर आने की अनुमति नहीं रहती है। ठीक है, तो बाहर लेकर तो नहीं आया, देख सकते हैं जहाँ लगता है कि ये बेंच पे ही रखा गया है। ठीक है, और जो भी है यहाँ पे लेदर का कुछ जैकेट वगैरह पहने हैं, ओप्पो A9 2020 करके लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। लग रहा है कि वहीं से किसी ने खींचा है। अब हो सकता है कि मतलब किसी ने छुपा के खींच लिया हो, या क्वेश्चंस वगैरह जब रिसीव किए जा रहे हों तो एक कोई क्वेश्चन छूट गया हो या छुपा लिया हो किसी ने, तो ऐसा चीज़ हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि पेपर लीक का बात हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आए हैं ये एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद आए हैं, एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले नहीं आए हैं। ठीक है, तो ये मतलब माना नहीं जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं दोस्तों ये हेल्प कर सकते हैं बाकी लोगों को, जो एग्जामिनेशन आगे 20 तारीख को होने वाला है उनको ये क्वेश्चन मददगार कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी रिव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कैंडिडेट्स द्वारा बता दिया गया था कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कितना टाइम लग रहा है, किन को सॉल्व करना चाहिए, सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी बता ही रखा था। ठीक है, देखिए ये जो है मैंने मुझे इसका आंसर नहीं पता था, लेकिन मैं रिव्यू लेते वक्त के रिव्यू को देखते वक्त मुझे इसका आंसर पता चल गया था। ये होगा विटामिन के, जो कि आपका थक्का जो होता है खून का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में ये विटामिन मदद करता है। अगर आपकी इस विटामिन की कमी रहेगी तो थक्का जो दोस्तों बनने में कम रहेगा, और अगर आपका कहीं कट छट जाता है तो आपको खून बराबर निकलते ही जाएंगे, और जिसके कारण हो सकता है कि आपको खून की कमी भी हो जाए और बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि दोस्तों ये क्वेश्चंस तो आए ही थे। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि हूबहू है, लेकिन ये पेपर लीक का कोई गारंटी नहीं दे सकता है अनटिल अनलेस गवर्नमेंट या जो बॉडी है दोस्तों आपकी जो अथॉरिटी है वो कुछ ना कह दें इसके ऊपर। हो सकता है कि किसी ने एग्जामिनेशन के बाद ये फ़ोटो खींच के भेजा हो, लेकिन इसकी कोई भी पुख्ता न्यूज़ नहीं है दोस्तों कि ये पहले ही पेपर आ चुका था। लेकिन फिर भी कई सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि आंसर पहले से ही भेज दिए गए थे, क्वेश्चंस नहीं लेकिन आंसर भेज दिए गए थे। और बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत सारे हम कैंडिडेट से मिले जिन्होंने कहा कि जाओ जाओ तुम क्या मतलब कि कुछ भी करो, हमें मेरा तो होना ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में मैं तो जाने ही वाला हूँ, मुझे कुछ आए या ना आए, तो इस तरह की बातें आती है। और मेन दोस्तों इन पे बात विश्वास तो नहीं होता, लेकिन विश्वास करने पे थोड़ा मजबूर भी इसलिए होते मतलब हो जाते हैं क्योंकि बिहार इन सब चीज़ों के लिए बदनाम है ऑलरेडी। और पिछला जो आपका SI का हुआ था दोस्तों उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे, उसका तो पेपर लीक हो ही गया था। तो ये होते रहता है दोस्तों, और हमारे चैनल पे काफ़ी सारे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देकर आए वो रो भी रहे थे कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतने सालों सालों की मेहनत होती है, बार बार तो हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती, वैकेंसी भी नहीं आती, लेकिन जब आती है तो ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है, तो बोलता है कि हमारा दिल बहुत रोता है, और हम प्लीज़ हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ना हमारे पास अथॉरिटी है। तो दोस्तों उमंग स्टडी ये बीड़ा उठाता है कि आपके जो जितने भी मुद्दे हैं, आपके जितने भी बातें हैं वो हम लोग प्लेटफॉर्म पर लाए जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। लेकिन दोस्तों फिर भी ये एक छोटा परिवार है, भी 1 लाख का ही परिवार है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर YouTube की नज़र में देखें तो ये छोटा है, या फिर सरकार की नज़र में देखें तो हम बहुत छोटे हैं। दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम बड़ा बने दोस्तों, और हम आपको वादा करके आते हैं कि दोस्तों जिस दिन हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचेंगे उस दिन हम एज अ मीडिया रजिस्टर करेंगे, और हम लोग एजुकेशन मीडिया न्यूज़ आपका सिर्फ देंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब हमारा फोकस रहेगा कि जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं स्टूडेंट्स के हैं वो हम उठाए, वो क्या कहते हैं नेशनल मीडिया में आए, और हम जाके दोस्तों जितने भी मतलब के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, चाहे गवर्नमेंट के हों या किसी भी बॉडी के हों, उनसे हम जवाबदेही लेंगे, आपके सवालों को पहुँचाएंगे दोस्तों। तो ये हम बीड़ा उठाने के लिए तैयार है, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सारे कैंडिडेट से भी सब्सक्राइब करवाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी सारे हमारे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, फिर
मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग करते हैं हम लोग को सपोर्ट आप लोग इसी तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इतना ही सपोर्ट मांग रहे हैं आपसे, पैसे कौड़ी हम लोग नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा आपका प्यार मांग रहे हैं, ठीक है, और सपोर्ट मांग रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर से जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, अपलोड करके गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एज ए प्रिपरेशन ही लीजिएगा, फेक न्यूज़ के ऊपर इसको फैलाइएगा नहीं। मैं आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी काफ़ी मार्केट में फेक न्यूज़ फैली रहती है, तो आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फेक न्यूज़ ना फैलाएं। इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिए, और जो भी जिनकी हाथ में है अथॉरिटी है वो इस पर जांच बैठाएगी, जांच करेगी कि कहाँ से आया है क्वेश्चन पेपर, किसने लाया, किस तरह से आया है। तो उसका टेंशन आप ये ना लिए, आप सिर्फ अपना तैयारी कीजिए अगर आपका 20 तारीख का एग्जामिनेशन है, ठीक है। और जहाँ तक दोस्तों देखिए ये लीक वगैरह की बात होती है, ठीक है, मानते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जो कि मतलब इसके द्वारा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कैंडिडेट ऐसे ही मतलब के पास आउट करते हैं, मेहनत से ही बहुत सारे पास आउट करते हैं, बिना मेहनत के पास करना मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, किसी न किसी दिन आपको फल ज़रूर मिलेगा, ये हमारा मानना है और ये सबका मानना है, और हमें ज़रूर लगता है कि आप भी सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लेकिन शेयर कीजिएगा इसको फेक फैला के नहीं दोस्तों, मैं फिर से ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।